Followed a student, motion and straight line, neat. PMT 94 में क्वेश्चन आया था. अच्छा क्वेश्चन है. द एक्सिलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाई मूविंग मोटर बोट आफ्टर इट्स इंजन इज कट ऑफ इज गिवन बाई डी वी ओवर डी टी रावर माइनस का के वी के और वी वेलोसिटी है उसकी पावर 3 वेयर के इज कॉन्स्टेंट. If V0 is the magnitude of velocity at cutoff, the magnitude of velocity at a time t after the cutoff is. तो क्वेश्चन को समझ लिया तो सोल्यूशन देखें. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मोटर बोट है, मान लो ये मोटर बोट है. जब इसके इंजन को कट ऑफ किया, जब इसके इंजन को आपने क्या किया, कट ऑफ किया, बंद किया, उस समय इसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड था वो वी नॉट था. वी नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट कट ऑफ. तो टी सेकंड बाद, तो यहां पे इसका मतलब टाइम जीरो है. आफ्टर टी सेकंड इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, दैट मीन्स लेट कर लो वी एक्स है ये पूछ रहा है. बस क्वेश्चन ही यही है कि कितनी वेलोसिटी होगी. और क्वेश्चन में ये दे रखा है आपको ए सॉल्यूशन. तो हमें गिवन क्या था वो लिख लेते हैं. डी वी ओवर डी टी इक्वल टू माइनस के वी की पावर 3. तो वी को नीचे लेके आओ, इसको इधर ले आओ. डी वी ओवर वी की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस के डी टी. डी टी का मल्टीप्लाई इधर कर लिया और वी की पावर 3 को नीचे ले आए. वी की पावर 3 को ऊपर ले आओ. वी की पावर माइनस के 3 डी वी बराबर माइनस के डी टी. अब इसका इंटीग्रेशन कर दो. इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड. इंटीग्रेशन वी की पावर माइनस के 3 डी वी और माइनस का के बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन डी टी. ये किसके रेस्पेक्ट में डिसीजन हो रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट में. तो लिमिट टाइम की आएंगी. तो जब इनिशियल था तो टाइम जीरो था और टी सेकंड बाद टाइम टी है, तो जीरो टू टी. और इसकी लिमिट आएंगी जीरो टाइम पर कितनी वेलोसिटी है वी नॉट, और टी सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है वी एक्स. इसलिए यहाँ पर लिमिट लिख लेंगे वी एक्स. इंटीग्रेशन कर दो. इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपका इसमें यूज होगा वी की पावर एन डी वी. तो वी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. लेकिन एन कितना नहीं होना चाहिए, माइनस वन नहीं होना चाहिए बस. ये फॉर्मूला यूज कर लो. अब यहाँ पर चेक करो एन की वैल्यू कितनी है, माइनस के 3 है डी वी. तो एन की वैल्यू यहाँ पे माइनस के 3 है. एन इज इक्वल टू माइनस के 3. तो पुट कर दो वी की पावर माइनस के 3 प्लस 1 एंड माइनस के 3 प्लस 1. बस ये इंटीग्रेशन हो गया. तो वी की पावर माइनस के 2 हो गया और नीचे माइनस के 2. भाई इसको सॉल्व करेंगे तो वी की पावर माइनस के 2 और ये माइनस के 2. और लिमिट हो गई इसकी कितनी, वी नॉट टू वी एक्स इज इक्वल टू माइनस का के डी टी का इंटीग्रेशन टी और लिमिट जीरो टू टी. तो देखो इसमें से माइनस के तो हाफ बाहर आ गया और इसको पुट करें तो वी की पावर पहले अपर लिमिट पुट करें तो वी एक्स की पावर माइनस के 2 एंड माइनस वी की पावर माइनस के 2 वी नॉट की पावर माइनस के 2 इज इक्वल टू माइनस का के टी माइनस के 0. इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया. यहां से इस 2 का मल्टीप्लाई इधर कर लें तो ये 1 अपॉन वी एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस का. और इसको नीचे ले आए वी नॉट का स्क्वायर हो गया. इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो 2 के टी. हमें फाइंड आउट वी एक्स ही करना है तो इसको भी इधर ले आओ. तो 1 अपॉन वी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के टी प्लस 1 अपॉन वी नॉट का स्क्वायर. इससे आगे यहाँ इसको सॉल्व कर लो. 1 अपॉन वी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू नीचे से वी नॉट का स्क्वायर एलसीएम, इसके नीचे 1 लिख लो. तो इसे लिख सकते हैं 2 वी नॉट का स्क्वायर के टी प्लस 1. ये देखो इसे सीधा कर लो तो वी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 वी नॉट का स्क्वायर के टी प्लस 1. तो वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट के अंदर स्क्वायर है ना, इधर भी स्क्वायर पूरा रूट लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा रूट से. 2 वी नॉट का स्क्वायर के टी और प्लस 1.
के टी प्लस वन। देखो ये वी एक्स आ गई और हमें वी एक्स ही निकालना था, तो वी एक्स की वैल्यू आई वी नॉट अपॉन रूट के अंदर टू वी नॉट का स्क्वायर के टी प्लस वन। तो सी चॉइस इज द राइट आंसर। ठीक, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।